अशरफ अली थानवी के मामू का एक मुरीद था। अब देखो वाकया सुनो, हाजी साहब मैं आपकी खास तवज्जो, अब्दुल खालिक साहब, अशरफ अली थानवी का एक मामू था, और उस थानवी साहब के मामू के एक पीर थे। क्या थे वो पीर साहब के पास रात में रंदी आया करती थी। तो थानवी के मामू का पीर भाई एक दिन अशरफ अली थानवी के मामू से मिला। अब मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई आदमी, एक आदमी एक मस्जिद का मुक्तदी है, और उसको मिसाल के तौर पर पता चला कि इमाम साहब तो रोज रात को जुआ खेलने जाते हैं, और उसको पता चल गया तो वो दूसरे मुक्तदी को इतला देगा कि देखो इमाम साहब के मुतालिक हमने ये सुना है। उसकी एक अखला की फर्ज होता है कि भाई उसको मुतनब्बे कर दे कि भाई मैं तो अब इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू भी नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो अशरफ अली थानवी के मामू से उसके पीर भाई ने अपने पीर के मुतालिक एक बात सुनाई। अब इबारत को आप पढ़िए। एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि जिससे कुछ हासिल करना हो ये देख ले कि मेरे काम का भी है या नहीं, वो चाहे काबिल न हो। है ना, अशरफ अली थानवी क्या कहता हो कि हमारे से अगर तुम्हारा ताल्लुक है और हम तो चाहे ऐसे हैं, लेकिन ये देख लो हम तुम्हारे काम के हैं या नहीं, काबिल हो या न हो। मेरे एक मामू साहब ने अपने एक शेख की हिकायत बयान की जो कामिल तो न थे मगर सादिक थे, यानी के दुकानदार न थे, और लोगों में उनके मुतालिक तरह तरह की बदगुमानियां थी। बात का ख्याल उन बुजुर्ग के मुतालिक यह था कि उनके पास रुपया बहुत आता है, हुजरा में मदफून होगा, इसी ही बिना पर उनके इंतकाल के बाद उनका हुजरा खुदवा गया कि शायद रुपया जमा हो। बात का ख्याल था कि उनके पास रात को रंडियां आती हैं। गरज के इस किस्म के ख्याल उनके मुतालिक लोगों के थे। एक शख्स ने मामू साहब से कि जो कि उनके मुरीद थे, आप देखो आप असल वाक्य आ रहा, अशरफ अली थानवी के मामू को अशरफ अली थानवी के मामू के पीर भाई ने क्या कहा कि पीर के मुतालिक कुछ खबर भी है? पूछा क्या है? कहा कि सबको उनके पास रंडियां आती हैं। अब अगर कोई शख्स के पास उसका पीर भाई आकर ये कहे कि जनाब हम जिसके मुरीद हैं वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो मुरीद क्या करेगा, फोड़ो बैग को तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा? लेकिन यहां थानवी का मामू क्या कहता है, खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है? बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको, पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक शुबा था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो शुबा ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था, इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इन्नीन हो। अब थानवी का मामू क्या कहता है, जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है, अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंडीन है। क्या है? छक्का, नामरद, पौने आठ। अब देखो अब बात कहां की कहां हो जाता है, और हालत यह है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। उन कमालात में से एक ये भी है कि मर्द हो, तो क्या कहता है कि हमारे पीर हैं वो तो नबी के वारिस हैं, और नबी का वारिस होता है वो तो कामिल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया मर्द थे और हमारे पीर साहब ने निकाह न किया था तो ये नाम मर्द हैं, ऐसा मुझे शुबा होता था। लेकिन जब आपने बताया कि पीर साहब के पास रंडी आती है तो पता चला, मालूम हुआ कि पीर कामिल हैं।
देखो लिखा है पीर कामिल है, इंदीन नहीं है। अब रहा ये सवाल, देखो रंडियों की बात, अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये तो एक गुनाह है। गुनाह चाहे करे लेकिन पीर साहब कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये एक गुनाह है, तो उस गुनाह से तोबा करके पाप साफ हो जाएंगे। जहां इस तरफ कहकर अल्लाह हु अकबर ने कहा, उस तरफ साफ हो गए। यानी कि रंडियों के साथ हराम खोरी करना, जना करना, ये कोई अहम बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, ये तो गुनाह है, बस ये साफ अल्लाह हु अकबर ने कहेंगे साफ हो जाएंगे। लेकिन रंडियां आती थी और इनका कमाल है, तो अब बस यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिल पीर के मुरीद हैं। देवबंदियों के ऐसे तो पीर हुआ करते हैं।